आज हम बप्पा के लिए बप्पा की सबसे प्रिय उकड़ीचे मोदक तैयार करेंगे। बहुत ही आसान और स्वादिष्ट तरीके से इसे बनाते हैं। पहले मोदक की फिलिंग तैयार करेंगे। सबसे पहले पैन में 2 चम्मच घी ऐड करेंगे। घी में ये फ्रेश घिसा हुआ नारियल डाल देंगे। नारियल को 3 से 4 मिनट घी में भुनना है। इससे नारियल में जो मॉइस्चर है वो चला जाएगा। नारियल को अच्छे से भुनने के बाद इसमें गुड़ डाल देंगे। यहाँ मैंने 1 कटोरी नारियल के लिए आधा कटोरी से थोड़ा ज़्यादा गुड़ लिया है। गुड़ को नारियल के साथ अच्छे से मिलाते हुए पकाएंगे। फ्लेम को मीडियम पे रखना है और लगातार चलाते जाना है। तो 10 मिनट इसे भुनते हुए हो गए हैं। गुड़ अच्छे से गल चुका है और नारियल के साथ अच्छे से कंबाइंड भी हो गया है। इस टाइम पे इसमें डाल देंगे पोस्ता या खसखस, जो भी आप बोलते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। दो से तीन मिनट और इसे मिलाने के बाद इसमें इलायची का पाउडर डाल देंगे। इलायची पाउडर को अच्छे से मिक्स करके गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब एक पैन में 1.5 कप पानी डाल देंगे। पानी में डाल देंगे 1 चम्मच घी और बहुत थोड़ा सा नमक। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये ट्रेडिशनल वे में डाला जाता है। इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। पानी भी अच्छे से गर्म हो गया है। घी और नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद 1.5 कप चावल का आटा डाल देंगे। जितना पानी लिया है उसी क्वांटिटी से आपको चावल का आटा लेना है। आप कोई सा भी चावल का आटा ले सकते हैं। इसमें एक बेलन लेके उसे ऐसे घुमाते हुए चावल के आटे को पानी के साथ अच्छे से ऐसे मिक्स करते जाएंगे। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इसे एक बड़े से थाली में निकाल लेते हैं। एक ग्लास की हेल्प से गांठों को तोड़ लेते हैं। इसे हमें गर्मा गर्म ही गूथना होगा। ठंडा हो जाने पर अच्छे से आटा नहीं लगेगा। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे गूथ लेंगे। आटा लगाने के बाद इसमें थोड़ा सा घी डालकर इसे चिकना कर देंगे। मोदक तैयार करने के लिए यहाँ मैंने मोदक मोल्ड लिया है। पहले मोल्ड को घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद थोड़ी सी लोई तोड़कर मोल्ड में ऐसे सेट करेंगे। एक्स्ट्रा डो को हटा देना है। जैसे मैं यहाँ दिखा रही हूँ उस तरीके से आपको बीच में से ऐसे होल तैयार करना है और चारों तरफ से डो को मोल्ड के अंदर सेट करना है। अब नारियल वाले मिक्सचर को हाथों से ऐसे पतला करके डालना है। हल्के से प्रेस करके अच्छे से अंदर तक फिलिंग को भरना है। अब फिर से थोड़ा सा आटा लेके इसे बंद कर दीजिएगा। सेट करने के बाद मोल्ड को खोल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से मोदक का शेप आ गया है। इसे सावधानी से निकाल लेना है। एकदम परफेक्ट बना है। ऐसे ही बाकी के मोदक को भी तैयार कर लीजिएगा। एक और मोदक आप लोगों को तैयार करके दिखाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से पता चल जाए कि कैसे इसे करना है। यह मैंने पहले ही स्टीमर को गर्म होने दिया था। पानी अच्छे से गर्म हो गया है, स्टीम निकल रहा है। अब इसमें मोदक को एक एक करके रख देंगे। यहाँ मैंने स्टीम करने के लिए नीचे केले का पत्ता लिया है। इससे मोदक नीचे से चिपकता नहीं है। आप डायरेक्ट जाली वाली थाली पे घी ग्रीस करके मोदक को डायरेक्टली उस पर स्टीम कर सकते हैं। इसे हमने 15 मिनट के लिए स्टीम करना है। देखिए मोदक स्टीम होने के बाद साइज में थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। ऊपर से केसर पानी से इसे डेकोरेट कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इससे मोदक दिखने में और भी सुंदर लगते हैं। आप भी इस गणेश चतुर्थी को बप्पा के लिए ऐसे स्वादिष्ट मोदक बनाकर भोग लगा सकते हैं।